हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज ज्योति राजपूत और आज जो है हम बात करेंगे अबाउट दिस फ्लावर। ये जो फ्लावर है इट इज कमिंग इन द किंगडम प्लांटी और सब किंगडम आता है, दैट इज अ कैनेरोगैम्स। एंड हियर द डिवीजन जो है दैट इज अ एंजियोस्पर्म। तो ये जो हिबिस्किस फ्लावर है इसका साइंटिफिक नेम है, दैट इज हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस। सो हियर वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ दिस फ्लावर। ये जो फ्लावर है व्हेन इट इज अटैच्ड टू अ स्टेम, तो ये जो पार्ट होता है फ्लावर का वी कॉल देम, दिस इज कॉल्ड एज पेडिसिल। पेडिसिल के बाद आ जाता है द बेसल रीजन, वी कॉल देम द रिसेप्टिकल और थैलेमस। थैलेमस के बाद जो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं वी कॉल देम, दिस इज कॉल्ड एज कैलिक्स। कैलिक्स जो है दे आर द वन हु आर एबल टू प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इन द बड कंडीशन। और ये ग्रीन कलर होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, इसी को ही हम सेपल्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ये कलरफुल पेटल्स की, दीज आर कॉल्ड एज करोला। कलरफुल होने के कारण दे आर एबल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर एबल टू डू द पॉलिनेशन। सो ये जो दो हमने बात की है, करोला की और कैलिक्स की, ये दोनों होते हैं दैट इज एसेसरी वर्ल्स। एसेसरी वर्ल्स ये हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द पॉलिनेशन and this is how the reproduction takes place. अब दूसरी बात करते हैं essential whorls की। essential whorls जो होते हैं those are the carpels and here those second one are the stamens. So सबसे पहले हम stamens की बात करते हैं। stamens जो है they are divided into two parts, anther and then the filament. So यहाँ पर here in this part ये जो आपको powdery yellow substance नजर आ रहा है this is called as pollens. pollens they are produced by the anther. और अब बात करते हैं नेक्स्ट इज कार्पल। कार्पल जो है इट कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टिग्मा विच इज स्टिकी और फिर बाद में लॉन्ग लेंथ दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल। और अब जो है हम लास्ट पार्ट देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज द ओवरी। ओवरी आ जाती है द लास्ट पार्ट में, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। ओके, ओवरी के अंदर जो है आपको नजर आएगा देर आर प्रेजेंस ऑफ द एग्स, देर आर प्रेजेंस ऑफ द एग्स। सो ओवरी के अंदर होता है दैट इज द ओव्यूल एंड दिस इज द ओव्यूल और उसी के अंदर होगा दैट इज द एग। एंड हियर दिस इज हाउ पोलन ग्रेन्स जो है उनके अंदर होंगे मेल गैमेट विच आर गोइंग टू गेट फ्यूज्ड विद द एग विच इज प्रेजेंट इन साइड द ओव्यूल दैट इज एग। सो दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड हियर We have done with the parts of the flower and thank you very much.